नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील रावत और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुनील रावत 14 व्लॉग्स में। तो दोस्तों, व्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रहा हूं मैं मॉर्निंग के 5 बजे से, क्योंकि आज नागेश्वर मंदिर से सभी बच्चे स्कूल के इकट्ठा होकर और वहां से उनकी शोभा यात्रा स्टार्ट होगी, क्योंकि आज है फूल डे का पर्व। आज के दिन ही बच्चे अपने घर की दहलीज में फूल डालते हैं और फुलेरी गीत गाते हैं। ये उत्तराखंड का एक लोक पर्व है जो बहुत ही हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है दोस्तों। तो अभी हम अपने स्कूल के बच्चों को लेके जाएंगे नागेश्वर मंदिर और वहाँ से होगी फुल डे की शोभा यात्रा। तो यूँ ही बने रहिए मेरे YouTube चैनल में, और अभी आपने मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी मैं तैयार होता हूँ और सीधे मिलेंगे मंदिर प्रांगण में। हम पहुंच चुके हैं नागेश्वर मंदिर और हमारे स्कूल के बच्चे भी तैयार हैं। हाथ लो। दोस्तों, नागेश्वर मंदिर में सभी छात्र छात्राएं इकट्ठा होकर पुष्प शोभा यात्रा के लिए नगर भ्रमण करेंगी। इस दिन मीन संक्रांति होती है और घरों की दहलीज और देली पर बच्चे गाना गाते हुए फूल डालते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को फूलदेही कहा जाता है। बता दें कि इस उत्सव के दिन कहीं कहीं फूलों के साथ बच्चे चावल भी डालते हैं। इसी को गढ़वाल में फूल संक्रांत और कुमाऊं में फूलदेही पर्व के नाम से जाना जाता है। नागेश्वर मंदिर से डोली यात्रा जाने वाली है फुलारी की, और आप देख सकते हैं सारे बच्चे स्कूल के यहाँ आ चुके हैं और अभी यहाँ से शोभा यात्रा स्टार्ट होगी। बने रहिए मेरे चैनल में। एगो एगो बसंत बहार छाजी रे छो यो फूलों को प्यार। एगो एगो बसंत बहार छाजी रे छो यो फूलों को प्यार। बच्चे हैं, नाइस है, कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम पूरा श्रीनगर घूमेंगे और ये फूल दही उत्तराखंड में बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो हम लोग इसको बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। सारे हमारे पूरे स्कूल के सारे बच्चे, मतलब ज्यादातर बच्चे अदर स्कूल के भी, बहुत अच्छे तरीके से सज धज के आए हैं और बहुत ये सुंदर लग रहे हैं सब, मतलब एकदम अब फूल दही पे ये फूल हम सारी लायड़ी मैं घर छोड़ियावा हे जी घर बोण बड़ी गे होलो बालू बसंत मैं घर छोड़ियावा हे जी सारियों फूली गे चेती पसरू मंगना ओ जी खोल खोलो मां ढक्या द्वार मोर देखी की फुलरी खोल्या होला मैं घर छोड़ा वा ये जी सारियों
उपासना दीदी, दीदी आज कैसा लगेगा, कुछ बोलेंगे आप? बहुत सारी बधाइयाँ सभी को कार्यक्रम की, और बस ये कार्यक्रम श्रीनगर में किया जाता है और इसका उत्साह आप लोग देख ही रहे हैं किस तरीके से बना हुआ है। आप सभी लोगों को दोबारा से खूब सारी बहुत सारी बधाइयाँ, धन्यवाद। बोलेंगे आप आज फूल दही के बारे में? आज फूल दही बच्चों का एक त्योहार है। हाँ जी। लेकिन आज श्रीनगर की फूल दही यात्रा में बच्चे बूढ़े जवान सब शामिल है, और इससे भी ज्यादा धर्म जाति संप्रदाय सबको छोड़ करके जिस तरीके से सब लोग एक साथ एकजुट हुए हैं बहुत बढ़िया है। आगे इसको और मैनेज तरीके से करने की जरूरत होगी, लेकिन और भव्यता तो इसको मिल रही है, लेकिन इसको प्रबंधन की दृष्टि से बहुत बेहतरीन और किया जा सकता है। लेकिन आयोजकों का ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है जो उन्होंने जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम किया है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे ले आए हैं। वो स्वाणी फुलारी का चयन इसमें किया जाएगा, तो लोगों में बहुत उत्साह है, बच्चों में भी और उनके अभिभावकों में। बहुत 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 धन्यवाद। आप आज फेवर आज आप फूल दही के बारे में कुछ बोलेंगे? आप सुनो, मेरा फोन नाम जोर से आज आप लोगों को पता है कि चैत का महीना लग चुका है, और चैत का महीना हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र महीना होता है क्योंकि आज से हिंदुओं का नव वर्ष स्टार्ट होता है। तो आप सभी को पहले हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो उत्तराखंड का लोक पर्व है फूल दही, मतलब फूल दिल्ली में फूल डालना सबसे बड़ा महत्व है उत्तराखंड में फूल दही का, तो वही है। और आप सभी को फूल दही की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे अभी स्वाणी जो कॉम्पिटिशन है उसके बच्चे यहाँ पे बैठे हैं सभी स्कूलों के, और अभी कुछ ही टाइम बाद उनमें से पर्से की थर्ड निकाला जाएगा निर्णायक मंडलों द्वारा, आप देख सकते हैं उनको यहाँ पर ग्रहण करेंगे सर्वप्रथम, और ऐसा चाहते हैं।
फाइनली फुलारी जो कॉम्पिटिशन और जो झांकी थी वो ख़त्म हो चुकी है, और जल्द ही मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग के साथ। और आप मेरे ब्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हैप्पी फुल डे। एगो एगो बसंत बहार छा जी रे छो यो फूलों को त्यार। एगो एगो बसंत बहार छा जी रे छो यो फूलों को त्यार। चैत किए गे प्यारे